सो हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बरूटो के टाइम स्किप के बारे में होने वाली है। उसका टाइम स्किप काफी ज्यादा नजदीक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज, हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी। अब बिना किसी देरी के आज आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट। आज आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बरूटो टाइम स्किप जल्दी आने वाला है, ये बात हम बरूटो फैन सुन सुन कर थक चुके हैं। किशिमोटो ने ये बात ट्वीट भी की थी कि बरूटो टाइम स्किप जल्द आने वाला है, पर अब ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे और उनका जल्द अभी तक नहीं आया। एंड बाकी सारे लोग भी इस चीज को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसका टाइम स्किप कब आ सकता है स्टोरी लाइन और मांगा को देख कर, पर अभी भी उन्हें कोई हिंट नहीं मिल रहा था। पर गाइस, 11 फेब को हमें कुछ टाइम स्किप कैरेक्टर डिजाइन देखने को मिले थे जो कि आगे के मांगा और एनिमे में यूज होने थे, और ये कैरेक्टर स्केच ऑब्वियसली सारे ऑफिशियल थे। एंड उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो फैंस को याद दिला सकें कि बरूटो टाइम स्किप काफी नजदीक आ चुका है। और गाइस, इवन ये डिजाइन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इवन बरूटो को देखकर, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ही अमेजिंग डिजाइन कर दिया है। गाइस, इन स्केचेस को देखने के बाद तो मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा इन कैरेक्टर्स को एनिमे में देखने का। वैसे आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस चैप्टर के अराउंड हमें टाइम स्किप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मांगा की स्टोरी को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा कि वो टाइम स्किप लेकर आएंगे, पर ऐसा हो भी सकता है कि हमें टाइम स्किप 1-2 चैप्टर्स के बाद देखने को मिल जाए। तो गाइस, आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चैटर्स। 君の虜になって